दोस्तों नमस्कार, मैं बकवास टेक की बात। तो आज इस वीडियो में हम बदलने जा रहे हैं इस मच्छर वाले बैट की बैटरी। इसमें लगती है एक छोटी सी 4 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरी, जो कि आसानी से आपको आपके शहर में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में उपलब्ध है। यहाँ पे ये जो काली बैटरी रखी हुई है छोटी सी, तो सबसे पहले बैट को खोल करके बैटरी निकाल लें और उस बैटरी को ले जाके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में दिखा दें, वो आपको दे देंगे। या फिर इस बैटरी का लिंक ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। तो बैटरी बदलना बहुत ही आसान है। छोटे फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये 4 स्क्रूज आप आराम से खोल सकते हैं और इस तरीके से ऊपर का ढक्कन बाहर आ जाएगा। इसमें से मैंने बैटरी जो है वो ऑलरेडी पहले ही निकाल रखी थी, क्योंकि उसी को लेकर मैं दुकान पर गया था और वहाँ से नई बैटरी लेकर आया था मैं। तो 2 नई बैटरी, और हाँ, यहाँ पे हमें बैटरीज को सोल्डर करना होता है। यहाँ पे हम डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते, प्लग एंड प्ले वाला कोई हिसाब नहीं है यहाँ पे, तो सोल्डरिंग करनी पड़ेगी अपने को। तो अपने को एक सोल्डर की जरूरत पड़ेगी, और यदि घर में सोल्डर नहीं है तो आप खुद से इसे ना करें, उसी दुकान में 150 रुपये एक्स्ट्रा देके उसी दुकानदार से सोल्डर करवा लें। अब मेरे पास तो थी, इसलिए मैं इसे खुद ही DIY कर रहा हूँ। तो प्लस वाले को प्लस में, माइनस वाले को माइनस में सोल्ड कर दें। सोल्डरिंग होने के बाद एक बार डिवाइस को ऑन ऑफ करके चेक कर लें कि ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं, यानी कि कनेक्शन सही से हुआ या नहीं। अगर कनेक्शन सही से हो गया है तो फिर वापस इसे इंस्टॉल कर दें। तो यहाँ पर मेरे इस मच्छर मारक यंत्र में बैटरी लग चुकी है नई। अब इसे करना है वापस इंस्टॉल और करना है चेक। तो वापस से मैंने कर दिया उन 4 स्क्रूज को टाइट, और यहाँ पर मैं इसे चार्जिंग में लगाकर मैंने कर लिया चेक। तो अब यहाँ चार्जिंग भी बराबर हो रही है, यानी कि सब ठीक है। तो चलिए अब इसको स्पार्क कराकर देखते हैं। तो अब इसे करते हैं देसी तरीके से चेक, यानी कि शॉर्ट सर्किट करा के देखेंगे कि स्पार्क आ रहा है या नहीं। ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके रखेंगे और ये देखिए शॉर्ट आई, चिंगारी निकली। यहाँ देखिए अच्छे से, यहाँ पे मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ और वहाँ पे वो पीली बत्ती भी ऑन ऑफ हो। तो फिर आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।